रमज़ान स्पेशल का हमारा ये जायकों का सफ़र जारी है। हैदराबाद से जायक़े और रौनकें समेटने के बाद अब मैं आ गया हूँ मुंबई। मुंबई के जिगर, मुंबई के दिल भिंडी बाज़ार में इस वक्त हूँ। यहाँ पर जितनी भी ये दुकानें पहले अंदर अंदर रहती थी, आज ये दुकानें बाहर बाहर आ गई हैं। ये पूरा एक महीना ऐसे ही चलेगा। बेइंतहा रौनक है, एक से एक रंगीन खाने नज़र आ रहे हैं, खुशबुएँ महसूस की जा सकती हैं, रौनक है। धीरे धीरे एक एक दुकान पर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और देखेंगे कि क्या नई किस्म की चीज़ें यहाँ बिक रही हैं। तो भिंडी बाज़ार की रमज़ान की इस रौनक को देखने में साथ रहिएगा। तो इस बाज़ार का एक बहुत ही मशहूर नाम सुलेमान मिठाई वाला, इनकी अफलातून नाम की मिठाई बहुत मशहूर है। रोज़ा खुलने में अभी तकरीबन डेढ़ घंटा बाकी है। ये अफलातून बहुत मशहूर है। अफलातून काइंड ऑफ हलवा होता है इनका, वो मुल्क भर में, मुल्क से बाहर भी लोग पैक करा कर ले जाते हैं। बहुत खूब होता है, बड़ा मीठा होता है। रोज़े के बाद आके इसको भी एक बार ट्राई करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनका अफलातून है नॉर्मल, और ये स्पेशल ड्राई फ्रूट से भरा हुआ होता है, मिठासें होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की घी होता है, और ये सब चीज़ें मिलकर अफलातून बनाती है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस बाज़ार का क्या बेच रहे हो भाई? कीमे का समोसा है। कीमे का कितने का एक देते हो? 5 रुपये का। अरे वाह यार, और ये अलग है कोई? ये 10 रुपये का। साइज़ का फ़र्क है, क्या बात है। ये सिर्फ रमज़ान रमज़ान? अच्छा जी, यहाँ ये शर्ट बिक रहा है। हम लाइन से देखते चलेंगे, चीज़ें बहुत हैं, देखना बहुत कुछ है। ये क्या चीज़ है भाई साहब? मोहब्बत नफरत। ये तो मोहब्बत है, ये नफरत है। और ये आम का है क्या? मैंगो है। ये क्या है? ना मोहब्बत है ना नफरत है, क्या बात है। क्या चीज़ है भाई? चिकन कटलेट, शाही रोल कबाब। शाही रोल, शाही कबाब। शाही कबाब इसमें क्या है? ये भी चिकन का है? चिकन का ऊपर से। ये चिकन कटलेट है? सेव रोल है, सेव रोल। ये वेज है? ये वेज है। ये भी चिकन का है। और ये चिकन क्रिस्पी। वाह यार, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। दिल्ली में सिर्फ हम रमज़ान में आलू पालक की पकौड़ियाँ खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कलमी वड़े खा लेते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें नई नज़र आ रही हैं। इसी जगह पर 1, 2, 3, 4 चीज़ें नई नज़र आई। ये क्या चीज़ है भाई साहब? शाही रोल। शाही रोल, ये काय का होता है? चिकन का चीज रोल। ये भी चिकन है? अरे चिकन को तो यार दबा के यूज़ किया हुआ है। और ये बताते जाओ यार, चटनी कबाब है, ये गुलाम मस्त कबाब है। ये काय का बनता है? ये काय का बनता है? सब चिकन ही है। कुछ चीज़ें तो पहचान ही नहीं सकते आप, वो बनी हुई किस चीज़ की हैं, उनका जायका क्या होगा। बहुत कुछ नया है। ये एक पीस के हिसाब से बिकता है या किलो के हिसाब से बिकता है? एक पीस के हिसाब से। कितने का एक पीस होता है? 30 रुपीज़ का। 30 रुपीज़। ये चिकन का होता है? चिकन का, सब चिकन, ज़्यादा सारी चिकन की आइटम है। और ये मैदा रोटी है, मैदा रोटी अंडे की ना। रोज़ा है? हाँ रोज़ा। कड़ी नर का है? रोज़ा
रोजा भाई रोजा रोजा है तो अफ्तारी में पी लेना इंशाल्लाह अफ्तारी तुम्हारे साथ ही करेंगे आज इंशाल्लाह भाई आओ भाई कड़िंगर का शरबत पालू जा कड़िंगर का ये कलिंगा क्या होता है कड़िंगर का शरबत वाटर वो क्या होता है वाटरमेलन ओके हिंदी में उसको कड़िंगर बोलते हैं ना पालू जा भी है कड़िंगर का शरबत अच्छा चिकन साटे हमने शाही महफिल पर खाया था और आज यहाँ पर ये चिकन साटे बिक रहा है ये सेकंड टाइम मैं कहीं देख रहा हूँ बहुत खजाना है मतलब इतना कंटेंट है दिखाने के लिए कि शायद एक हफ्ता लग जाए तभी मैं यहाँ का कंटेंट पूरा नहीं दिखा पाऊँगा बात ये है कि ये वक्त है पीक टाइम है दुकानदारी का तो कम ही लोगों से बात हो पा रही है सब अपने काम में मसरूफ़ हैं लेकिन हाँ मैं चीज़ें दिखा सकता हूँ एटलीस्ट और जो कोई बात कर सकेगा उससे बात भी करने की कोशिश करूँगा हर करवट कुछ ना कुछ बिक रहा है हर कोने हर पहलू कुछ ना कुछ नए आइटम है ये क्या बना रहे भाई साहब ये भुना बोटा ये क्या मटन है या चिकन मटन भुना ये चिकन अंडे की रोटी है चिकन टिक्का तंदूरी इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं मुंबई के लिए बहुत कम टाइम लेकर आया मेरे ख्याल में एक हफ्ता भी यहाँ मैं अगर रुकूं तो शायद पूरी चीज़ आपको दिखा पाऊँ आज के इस वीडियो में मैं कम बोलूँगा क्योंकि यहाँ इतनी आवाज़ें हैं वो आवाज़ें इतनी खूबसूरत हैं कि मेरा इरादा यह है कि मैं इस वीडियो पर शायद ही कोई म्यूज़िक लगाऊँगा भी तो बहुत कम ये आवाज़ें सुननी ज़रूरी हैं इस माहौल का अंदाज़ा इन आवाज़ों ही से आपको होगा और इसीलिए मैं कम बोल पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ बोलने को कुछ नहीं है देखने को और दिखाने को बहुत कुछ है सिर्फ रमजान के लिए 11 महीने पब्लिक इंतजार करती है सूप का अरे वाह यार 1 महीना अच्छा जी ये चाइनीज सूप या वैसा सूप नहीं है और इसके अलावा क्या रहता है बाकी 11 महीने बाकी दिन बंद रहते हैं सिर्फ ओनली फॉर रमजान 1 महीने के लिए दुकान खोलते हैं बाकी जो आपका मेन आउटलेट है वहाँ पे सब है हमारे पास शीख कबाब वगैरह क्या बात आपकी दुआओं से काफी फेमस है जी जी बहुत नाम सुना है माशाल्लाह आपका और ये सब पे जूस निकाला जाता है यहाँ पे स्टॉक निकाला जाता है उससे सूप बनाया जाता है ओके और ये करीब हमारे डैडी को चालू करके हो गया करीब 60 साल से ऊपर अच्छा ये कोई खास रेसिपी है पुरानी बहुत पुरानी रेसिपी है ओके ये जब 2 चम्मच आदमी कितनी भी सर्दी हो 2 चम्मच सूप पिएगा और उससे पसीना नहीं आया तो समझो सूप पिए कह रहे हैं अच्छा और ये इधर क्या है ये चिकन टिक्का मसाला बना है और ये हमारे पास भेजा फ्राई अभी बनाया तवे पे सही है ये क्या मटन का भेजा होता है मटन भेजा फ्राई बहुत ज़बरदस्त ये मटन गुर्दा फ्राई है ये देखिए बहुत फेमस आइटम है आगे बड़े मियाँ की है दो अच्छा बड़े दिखाती है बड़े मियाँ आपके वालिद को कहते हैं लोग हमारे वालिद साहब को कहते हैं हाँ बोलो बाइक वाला अंदर ना रोड पे खड़ी कर दे
क्यों खड़े हैं यहाँ पे? कुछ काम है? चलते रहो, आगे चलो, काम करने दे रहे यहाँ पे। मूवमेंट ना करो, रास्ता बता के लिए मोबाइल और अपने पर्स पे जाके आने जाने वालों को रास्ता रखें। रमजान मुबारक का महीना और अपनी चीजों पे ध्यान दें, इसमें चोरियां भी होती है। हम हैदराबाद से हैदराबाद के हलीम कवर करके आए, अभी बॉम्बे में है और मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है चार मीनार की हलीम, देखते हैं किस टाइप का हलीम। ये वही हैदराबादी टाइप है, आओ ना ढक्कन तो हटाओ, जज्बात ही होगा जज्बात। एक कुर्सी डालो उधर, वहाँ पे कुर्सी लगा, सब कुर्सी लगा, ऊपर थप्पी लगा, थप्पी की थप्पी लगा। एक बहुत ही नुमाया और बड़ी खूबसूरत बात ये है कि जितने लोगों से भी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यानी रैंडमली जाके आप शूट करना शुरू कर देते हैं तो कई जगह लोग ऑफेंड हो जाते हैं, कई जगह लोग नाराज हो जाते हैं, सब वेलकमिंग है, सब खुश हो रहे हैं। अगर उसको पता लगता है कि उसकी तरफ कैमरा है तो वो और ज़्यादा रेस्पॉन्स करते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है, लोग खुश होते हैं, मुस्कुरा के वेलकम करते हैं। नफरत सब बेच रहे हो? मोहब्बत सर, बात मोहब्बत, नफरत नहीं है? नहीं नहीं, नफरत नहीं है भाई। नीचे हैदराबादी हलीम लगा रखा है, ऊपर ये फालूदा बेच रहे हो? स्पेशल फालूदा बना, पहले 50-50 का दो बना। सारी बात हो गई, ये नहीं बताया बेच क्या रहे हो आप? बकरे का तिल्ली है, बकरे ये तिल्ली बकरे की है, और ये क्या है? बड़े की तिल्ली, वो भी तिल्ली है, ये आलू है, मसाले वाले आलू है। अरे चाचा कौन गए? मेरे चाचा मेरी चार भरे, नहीं नहीं खड़े रहो आपको। जैसे जैसे अफ्तार का वक्त करीब आ रहा है, बिल्कुल वैसे वैसे यहाँ पर रश और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोगों को अपना सामान खरीदने की जल्दी और ज़्यादा हो रही है, दुकानदारों को अपना सामान बेचने की फिक्र और ज़्यादा हो रही है, ये सब चीज़ें अपने एकदम उफान पर हैं और धीरे 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 ही जैसे ही अजान होगी सब ठंडा हो जाएगा, लोगों के रोज़े अफ्तार हो जाएंगे और इसके बाद ये रौनकें एक दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाएंगी, यानी यहाँ पर टेबल्स लग जाएंगी, यहाँ पर पूरे खाने चलेंगे, अभी अफ्तारी का सौदा बिक रहा है और ये सारा मंजर हम अपने कैमरे के थ्रू आप तक पहुँचाते रहेंगे। सांदल सांदल सांदल, राइस केक, राइस केक, राइस केक, मीठा होता है, जबरदस्त। अगर देखा जाए तो इतनी कंट्रास्टिंग चीज़ें बिक रही हैं, यहाँ ये राइस केक है, मीठा है, और बिल्कुल उसके साथ में चटपटा चीखता चिंगाड़ता शावरमा बिक रहा है, बहुत अलग माहौल है। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी इतना माहौल इस टाइप का नहीं होता, ये सेटअप नहीं होते, लेकिन यहाँ अलग ही जोश है।
ये क्या चीज़ है भाई साहब? मलाई खाजा। मीठा होता है? हाँ, मीठा। और ये भी यही सेम है? इसके अंदर मावा होता है, वो भी मीठा है, मावा रहता है। 200 रुपये का ये? हाँ। ओके, और वो 70 रुपये का। ये क्या तीतर है? तीतर। जैसे जैसे रोशनी हल्की होती जा रही है, मगरिब का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ का माहौल और ज़्यादा इंटेंस होता चला जा रहा है। यहाँ पर भीड़ बढ़ गई है, यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ गई है, यहाँ पर लोगों के जोश बढ़ गए हैं। हर कोई अपना सौदा खुश होकर बेच रहा है, खरीदने वाले खुश होकर खरीद रहे हैं। ये रमजान की बरकत है। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। यासीन भाई, ये जो टेबल्स अभी लग रही हैं, हाँ। ये सिर्फ रमजान में लगती है या हमेशा लगती है? नहीं, रमजान में लगती है। रमजान में ये अब शहरी तक चलेगा? 12 महीने रहेगा। शहरी तक चलेंगी? शहरी तक। क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। पाइनएप्पल 50 रुपए का, और ये गुड़ का शरबत है? गुड़ का शरबत है। ये 30 रुपए का। ये 30 का। ये कलिंगर, 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 वाटरमेलन, तरबूज, तरबूज, वाटरमेलन, तरबूज, तरबूज। चले आओ, थोड़ा बचिए, थोड़ा ही बचिए। आओ, अरे बनिए, इधर बनिए, इधर बनिए, ए मालवारी, चले आइए। मोहम्मद शादाब। शादाब, ये स्टॉल जो है बाई चांस शादाब का है, और शादाब हमारे वीडियोस देखते हैं सारे। शादाब, शादाब देखते हो? जी, जी, पक्की बात है, पक्की पक्की बात है। इसके लिए मैं आपको बताया कि आपके दिल्ली के वीडियोस बहुत अच्छे थे। थैंक यू। अच्छा, आज मैं इसी स्टॉल पे रोज़ा अफ्तार करूँगा। ये 50 रुपए में बहुत कुछ बेच रहे हैं। ये तरबूज का शरबत बेच रहे हैं, ये अनानास का शरबत बेच रहे हैं, ये गुड़ का शरबत बेच रहे हैं। ये लोग कलिंगर कहते हैं, अपने समझ में नहीं आता। ये तरबूज का भी शरबत बेच रहे हैं, और ये यार ये क्या क्या आइटम है मुझे बताओ यार, क्या क्या है? ये तो चिकन साटे है ना? ये नहीं, ये चिकन चिकन बोटी फ्राई है। बोटी फ्राई, बोटी फ्राई। ये चिकन स्प्रिंग रोल है। ओके। ये चिकन स्टिक है, रेड वाली। ये रशियन स्टिक है। ये चिकन चीज है। ओके। ये वॉन्गडोंग समोसा, चिकन वॉन्गडोंग समोसा। ये चाइनीज है क्या? ये चाइनीज है। और ये आलू है, टमटम आलू, टमटम आलू। हाँ भाई, वाह। और अभी बाकी सब बहुत सारी वेराइटीज। चलिए ठीक है, अभी मत बोलो, अभी टाइम है, 2 मिनट बचे हैं। ये लोग कह रहे हैं 2 मिनट बचे हैं। मैंने कहा भाई, मैं तो पहली अजान पे बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ मुझे कुछ छेड़ा और फिर हंस दिए। बहरहाल, थैंक यू। बिस्मिल्लाह। बबलू भाई, आज की जैसी इफ्तार मैंने पहले कभी नहीं करी। बड़ा अलग अफ्तार है आज का। आजा। ये चिकन है, चिकन। बहुत सारी नई चीजें भाई, बहुत कुछ देखा आज। अब खाने का मौका मिल रहा है, अजान हो गई है। ये भी चिकन है, सब अलग अलग आइटम है। चिकन अफलातून बोलते हैं इसको, चिकन अफलातून, चिकन अफलातून, चिकन अफलातून बताया भाई ने। और माहौल का, आबो हवा का, मिजाज का, शहर का, सरजमीन का, हर चीज़ का जायका किसी भी खाने में शामिल होता है। मैं सब कुछ महसूस कर पाऊँ। यूँ आज का रोज़ा ये भिंडी बाज़ार में इफ्तार हुआ। बड़ा अलग माहौल था। मेरे पीछे ये जो स्टॉल है, ये लड़के बहुत कुछ बेच रहे थे, मैंने इन्हीं से बेहतर कल्लू जी से कह दिया, मैं आज का रोज़ा आपके साथ खोलूँगा। और ये कहने की देर थी, सबने इस कदर वेलकम किया, खुश हो गया यार। अभी हम इनके शरबत भी पियेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसको लोग कलिंगर बोलते हैं,
बहुत देर के बाद मुझे पता लगा ये तरबूज को कह रहे हैं कलिंगर। तो इनके हिसाब से ये मोहब्बत का शरबत है जो हम दिल्ली में भी पीते हैं। शरबत मोहब्बत का है या नहीं, लोग बड़ी मोहब्बत के हैं। इंतहाई खलूस के साथ मुझे रोज़ा अफ्तार करवाया, बहुत अलग किस्म की अफ्तारी रही, मज़ा आ गया। दिल वाले लोग की है, दिल वाले लोग की है। ये आपने सुन लिया ना, बस यही है, ऐसा ही है। मैंने आज एक्सपीरियंस भी किया एकदम मीनारा मस्जिद के सामने, पुरानी के सामने ही है। थर्ड जनरेशन भी यहाँ चल रही है, अभी थर्ड जनरेशन आपकी आ गई है, यानी आपके बच्चे भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है भाई। अब मैंने देखा है कि खानों के मामले में जनरेशन बदलती हैं, टेस्ट कायम रहते हैं। सलीम भाई से दो मिनट बात करने का मौका मिला। सलीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इफ्तार की रौनक मुकम्मल हुई, अब यहाँ पे खाने चलेंगे, ये शहरी तक चलेंगे। यूँ ही कहानी चलते चलते कब एक महीना रमज़ान का निकल जाएगा पता नहीं चलेगा।